बॉबी ने क्यों बना लिया प्रीति को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी? कौन से एक्वेरियम में शूट हुआ था समुद्र वाला सीन? सोल्जर 2 फिल्म का इतना बजट क्यों रखा अब्बास मस्तान ने? आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर की, जिसमें प्रीति ने बॉबी देओल के साथ सोल्जर में काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म के गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। 1998 में आई सोल्जर प्रीति जिंटा की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वो शाहरुख खान के साथ मणिरत्नम की दिल से डेब्यू कर चुकी थी, मगर उसमें प्रीति का किरदार सेकेंड लीड में था। लेकिन क्या आपको मालूम है, बेशक दिल से फिल्म पहले रिलीज हुई थी, लेकिन प्रीति ने सबसे पहले फिल्म सोल्जर को साइन किया था और इसकी शूटिंग भी दिल से फिल्म की शूटिंग से पहले हो गई थी। सोल्जर से प्रीति ने बतौर फीमेल लीड डेब्यू किया था, इसलिए प्रीति के लिए यह फिल्म बेहद खास और उतनी ही स्पेशल है इसकी यादें। प्रीति ने इन्हीं यादों को समेटते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, बॉबी देओल तुम्हारा साथ सोल्जर में काम करना एक खास अनुभव था। न्यूजीलैंड में इस फिल्म के लिए तुम्हारे कपड़ों की खरीदारी करना मुझे याद है। मुझे तुम्हारी को स्टार होने से अधिक पर्सनल असिस्टेंट की फीलिंग ज्यादा आती थी। तुमने मेरा नाम बदलकर प्रीतम सिंह कर दिया था और सबको ये यकीन भी हो गया था। इसके लिए मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, लेकिन इससे पहले यह तथ्य नहीं बदलता कि मैं तुम्हें सबसे अधिक प्यार करती हूँ और इस फिल्म में तुम शानदार दिखे थे। सोल्जर के बाद 2007 में प्रीति जिंटा और बॉबी देओल झूम बराबर झूम में साथ नजर आए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और लारा दत्ता ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी। साथ ही बात इसके एक खास सीन की करें तो एक सीन में जहां अभिनेता दिलीप तहिल यानी पिक्चर का मेन विलन को बॉबी देओल के साथ एक समुद्र में दिखाया गया, जहां फिल्म के विलन को मछली खा जाती है और बॉबी वापस शिप में आ जाता है। तो वास्तव में यह प्रसिद्ध सिडनी पानी के नीचे एक एक्वेरियम में शूट हुआ था, जिसको 5 घंटे के लिए किराए पर लिया गया था। साथ ही यह था तो एक खाली ही, लेकिन फिर भी इसमें कुछ विजुअल इफेक्ट डालकर समुद्र जैसा बनाया गया। कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के साथ एक बार फिर आ रही है सोल्जर 2, जिसमें पुरानी कहानी और कास्ट को नहीं दोहराया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि इस बार फिल्म में नए चेहरे को लिया जाएगा, मतलब अब जो भी होगा या होगी उसके यह पहले डेब्यू मूवी होगी, क्योंकि नए चेहरे से मतलब जो बॉलीवुड में नए हैं उनसे है। इसके लिए अब की बार 100 करोड़ के बजट को तय किया गया है, लेकिन नए हीरो और हीरोइन के साथ इतना बजट क्या सही फैसला है अब्बास मस्तान का? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।